एक बंदे का मैं वेट कर रहा था, वो पहुंच गया है। ये उधर रख दे, ये भी हो गए सेट। भाई तो मेरे नए व्लॉग में आज नए बंदे की एंट्री, रोहित। शक्ल तो दिखा, शक्ल दिखा दे मास्क करके, शायद ये दोबारा मिल जाए व्लॉग में कहीं। तो मेरा उत्तराखंड का सेकंड टूर है, उससे पहले करीबन मैं 1.5 से 2 महीने पहले गया था। इस टाइम फ्रेंड के साथ गया था, एक अलग रूट था। इस टाइम जा रहा हूँ दीपा के साथ और रोहित। तो इस बार ना कोई, हम तीनों ने कोविड टेस्ट कोई भी रिपोर्ट लेके नहीं जा रहे ना। वो तुमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है? वो मैंने भी नहीं कराया इस बार। लास्ट टाइम जब मैं फ्रेंड के साथ गया था तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, इस बार मैंने वो भी नहीं कराया। मैंने कहा चलो एक बार चल के देखते हैं, नहीं भी होगा तो आप बॉर्डर पे, मैंने सुना है कि ऐसा होता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन वो एक बार बॉर्डर पहुँचेंगे तब पता चलेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस यहाँ से निकलते हैं। Make a slight right to stay on Delhi Meerut Expressway. मास्क लगाए हटा के बोल भी सकते। और दोस्तों क्या हाल है, 2000 रुपए का सवाल है भाई। पूरा उत्तराखंड का डीजल लग जाएगा उसको। तुम्हारा जो फर्स्ट छोटा सा स्टॉप था वो हापुड़ से जस्ट 15-20 मिनट पहले है। तो मॉर्निंग में निकले थे ना, इतनी भयंकर वाली ठंड हो रही थी। तो पहले प्लान था कि 7 बजे के आसपास निकलेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी तो हम लोगों ने लेट करते 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 वो 9 बज गए। और भाई साहब, भाई मैं तो, इसने बोला था तेरे को दीपा ने 5 बजे उठ जाइए करके, मैं तो बोला था आराम से उठी हो, क्योंकि मैंने कहा भाई ये लौंडा है, ऊपर से सिंगल आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। सिंगल आ रहा है, सिंगल ही है, सिंगल आ रहा मतलब कोई मतलब तेरे साथ कोई फैमिली उमली वाला नहीं आ रहा और कोई, फिर आता ना ये भी रख लो वो भी रख लो। जब मैं बोली थी मैं दीदी मेरे साथ ना एक फ्रेंड भी आ रही है। हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दीदी बोल रही नहीं मैं शादी से पहले से अलाउड ही नहीं करूंगी, मैं मेरी शादी होगी तो मैं पूछ कौन रहा है तुमसे लेके आऊंगा। ठंडा हो रहा है बार? हम लोग अभी पहुंचे मुरादाबाद, जैसे हम लोगों ने क्रॉस किया हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर अभी 11:30 दिखा रहा है। गाड़ी के अंदर अच्छा खासा गर्म हो रहा है, अभी बाहर जाके देखता हूँ। ओहो भाई क्या हवा सही चल रही है, बाहर आके पता चल रहा है कितनी ठंड है। भाई मैं अपना जैकेट निकाल लेता हूँ। ये कौन सी जगह है? ये मुरादाबाद। मुरादाबाद ही है सर, दूर में यहाँ पे साइड में भैया, इनकी टेबल खेतों में लगा दो, इनको खेतों में खाना है, वहीं पे लोग बैठे होंगे लोटा लेके। तो हम लोग जैसे मुरादाबाद के बॉर्डर पे एक ढाबा है, छोटा सा तो नहीं है, डिसेंट सा है, जुबली नेपाली ढाबा। हम लोग ना अपना खाना अपने साथ लेके आए क्योंकि कोविड वोविड का सीन चल रहा है। ये देखो कितनी हंस रही है। डिस्पोजेबल भी लेके आए हो? ये किस लिए लेके आए? क्यों? आलू की सब्जी के लिए रखूंगी। ये क्या तू पैक बना के लाए? ये क्या है? मैं नहीं लाया मैं भाई दिल्ली से लेके चला साथ। और साथ में हम लोग पूरी और आलू की सब्जी लेके आए थे। जब भी ट्रैवलिंग करो ना और पूरी आलू की सब्जी खाने का मज़ा आता है, वो स्पेशली बस वगैरह में ट्रेन वगैरह में जाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। वो भी रोल करके खाओ, रोल करके खाओ। हाँ पता नहीं मुझे इस बार ऐसा क्यों लगा कि बहुत जल्दी, मैंने इतनी तेज़ तो चलाई नहीं गाड़ी, फिर भी पता नहीं इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए हम लोग। मेरे ख्याल से आज रोड काफ़ी खाली थी इसलिए भी लग रहा था। और क्या लेके? वो अचार। ओह लुक एट द वेदर यार, बहुत ठंडा हो गया है और यहाँ पे धूप ऑलमोस्ट जा चुकी है। अभी देखोगे ना हल्के से फेड हो गया यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम लोग उत्तराखंड के बॉर्डर पहुँचेंगे तो ये फॉग अच्छी खासी मिलने वाली है। तो चलें गाइस, आर यू एक्साइटेड? यस यस, थकी हुई है। यस, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं हल्द्वानी पहुँचने में। तो मैं बता दूं, जस्ट हम लोगों ने ना एंटर किया है उत्तराखंड के, अभी पीछे जस्ट हमने देखा होगा वहाँ पे चेकिंग होती थी। ये रुद्रपुर एरिया, तो रुद्रपुर उत्तराखंड का, अगर आप नैनीताल की तरफ जा रहे हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है नैनीताल हल्द्वानी की तरफ। तो अभी फिलहाल हमने चेक किया चेक पोस्ट पे, तो कुछ नहीं था वहाँ पे, कुछ कोई कुछ नहीं पूछ रहा किसी भी गाड़ी में। लास्ट टाइम भी नहीं पूछा था, नहीं हमने से पूछा था लास्ट टाइम, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट में आए थे, थोड़ा अंधेरा हो गया था। अभी आज पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे, लेकिन किसी ने रोका नहीं, कोई भी गाड़ी को नहीं रोका, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं रुकी हुई थी। तो नैनीताल के लिए है, मांग रहे हैं कोविड टेस्ट? वो उत्तराखंड सरकार ने बोला तो था, स्टेटमेंट तो रिलीज करी थी, बट अभी कुछ नहीं पता बहुत से, लेकिन अभी हाँ इतना ये पता है कि उत्तराखंड एंट्री पे कोई कोविड रिपोर्ट नहीं मांग रहे, बेफिक्र होकर एकदम एंट्री कर सकते हो आप। We'll be right back.
तो गाइज हम लोग हैं इस टाइम पे पंतनगर जाने वाले रास्ते पे। पीछे जो रास्ता जाता है वो है काशीपुर के लिए। यहाँ से काशीपुर करीबन 52 किलोमीटर है, बट हमें काशीपुर वाले रूट पे नहीं जाना, हमें जाना है पंतनगर वाले रूट पे, क्योंकि हम लोग हल्द्वानी में स्टे नहीं कर रहे। पंतनगर में दीपा की बुआ रहती हैं, तो हम लोग आज वहीं पे स्टे करेंगे। पहले हम लोगों ने सोचा कि हल्द्वानी में स्टे करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा डिसाइड हुआ और बुआ ने भी इंसिस्ट किया कि आप यहीं पे स्टे करो। तो हम लोग अभी इस टाइम पे पंतनगर जा रहे हैं, जो करीबन हल्द्वानी से आई थिंक 45 मिनट्स पहले है। इस जगह पे हम लोग इसलिए रुके हैं क्योंकि भाई जो रोहित है हमारा, वो यहाँ से हमें कर देगा अलविदा। ये जाएगा कहाँ के जा रहा भाई? रुद्रपुर। रुद्रपुर तो हम लोग ऑलरेडी हैं, हम लोग रुद्रपुर हैं, यहाँ से दूर से कटते हैं, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको। और यहाँ से कहाँ जाएगा भाई? रुद्रपुर फिर हल्द्वानी। अरे अभी कौन सा कोई दिख रहा है? अरे हल्द्वानी जाएगा। थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करो ना, बाद में दिखाएंगे। अब तो चला जाएगा, आप कहाँ सस्पेंस दिखाओ। तो रोहित यहाँ से जाएगा हल्द्वानी, उसके कजन है, उसको पिक करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने सही बोला था, गुड्डू भैया लेट करते हैं, तुझे रामपुर पे बोल देना चाहिए था, मैं पहुँच गया। तो उन लोगों को हम लोगों ने जब रुद्रपुर स्टार्टिंग में पहुंचे, तब उन्होंने बोल दिया कि हम लोग अशोक लीलैंड के वाले पहुँच गए। नहीं नहीं, अशोक लीलैंड आगे है वो देखो। अच्छा ओके ओके ओके, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। आप फिर आओ वहाँ पर हल्द्वानी आओ, ठीक है? तो रोहित तो चला गया अपने कजन्स के साथ, एंड हो सकता है आने वाले व्लॉग्स में रोहित दोबारा देखेगा हमें, और कुछ और लोग भी मिलेंगे जिनके साथ हम उत्तराखंड एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नए लोग जिसमें शायद आपने पहले मेरे कभी व्लॉग्स में नहीं देखा होगा। इतने सारे लोग इस व्लॉग में इंक्लूड होंगे क्योंकि इस व्लॉग में दीपा। तो यहाँ से दीपा ने कमान संभाल ली है, 3-4 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है। एंड कैसा लग रहा है गाड़ी चला के? हाईवे है ये, वैसे बता दूं मैं, दिस इज बरेली नैनीताल हाईवे, जिसपे दीपा गाड़ी चला रही है, सीधे दिल्ली की रोडों से निकल के हाईवे पे आ गई है। कैसा लग रहा है आपको? कितनी तेज है दिल की धड़कन है आपकी? काफी टाइम बाद चला रही हूं, और ऊपर से यहां ट्रक बहुत है, तो इसलिए थोड़ा सा। तुम बिल्कुल कैमरे के मत देखो, तुम आगे देखो। देख रही हूं, मैं सामने देख रही हूं। और ये मार्केट है, पंतनगर एरिया पूरा, राइट हैंड साइड में ना यहाँ पे पंत यूनिवर्सिटी है, तो सर्च करोगे तो पंत नगर यूनिवर्सिटी है। ओ यहाँ तो फाटक भी है ना, चलो चलो चलो, फाटक खुला अभी। लोगों को आइडिया नहीं घर पे कि दीपा गाड़ी चला के आई है, तो एक बार उनको बाहर आने दो और रिएक्शन देखते हैं उन लोगों का कि दीपा गाड़ी चला के आई तो कैसा रिएक्शन रहता है। कोई निकलेगा तो ना? तो फोन करो ना उनको, फोन करो उनको कि हम लोग पहुँच के आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो दीपा को एक्स्ट्रा 2 रोटी मिलेगी गाड़ी चलाने के। तो गाइज ये है पंतनगर एरिया, पंतनगर जो फेमस है। पहले चीज़ पंतनगर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत शांत एरिया है, बहुत मस्त है। यहाँ पे ना मोस्टली जो लोग हैं वो रिटायर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे फार्म हाउस के लिए काफ़ी फेमस है, तो ये जो एरिया है ना हिल स्टेशन से काफ़ी टच होता है। और ये कैसा कुछ इवनिंग दिखता है यहाँ पे, सनसेट मेरे पीछे बैक साइड में हो रहा है, ड्रोन का शॉट लिया था। आई होप आपको पसंद आएगा, तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। मेरे साथ है मनीष भाई, हेलो, जो दीपा के कज़न है। हाय ऑल, तुम कब से आ गए यहाँ पे? हमारे इस मकान में 15 ईयर्स हो गए। और मिलो छोटे उस्ताद से, क्या नाम है? भविन। भविन जल्दी जल्दी बोल दे और अपने बारे में बता जल्दी फटाफट, तो कैमरा बंद ना हो जाए। Say something. भविन, about you, about your school, about your age. हाँ। हाँ। कुछ बोलना चाहते हो बोलो जल्दी। नहीं मैं कोई नहीं। ये क्या बोला तुमने? ये खुद ब्लॉग करता है अपने फोन पे। अच्छा? बोलता क्या, समझ में नहीं आता। बोला जो तू तो ब्लॉगिंग करता अपने फोन से। और नेक्स्ट वाले ब्लॉग में हम लोग नैनीताल ही जाने वाले, नैनीताल के आसपास हम लोग कुछ ट्रैक वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। मनीष ने बहुत अच्छा ट्रैक बताया, तो नेक्स्ट ब्लॉग तो आप वेट करो, तब तक वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर, सस्पेंस थोड़ा बना के रखो। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तब तक के लिए बाय गाइज।